वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारी रोही की बड़ी प्यारी सी मेजर सालिया बतूल वर्क जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, वेलकम करते हैं अपने शो में आप। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी काशिफ अब्बास आकार साहब जो कि सदर आर्ट्स एसोसिएशन मुजफ्फरगढ़ से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। आज हम नाजरीन बड़ी हमारी एक अच्छी गुफ्तगू होने जा रही है। एक तो हमारा टॉपिक है कि जी माँ और बच्ची की सेहत के हवाले से आगाही, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा जी आर्टिस्टों के हवाले से कि किस तरह आर्टिस्टों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और किस तरह वो अपने आप को जो है उनको प्रमोट किया जा सकता है। आज इनसे रिलेटेड बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे क्या हाल चाल है आपके, तबीयत कैसी है? आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की तो बड़ी टफ लाइफ जा रही होती है, हर वक्त काम 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 और काम, ऐसा ही है। लेकिन अपना काम जब अच्छा लगे तो फिर मजा आता है काम का। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह आज का हमारा टॉपिक है सालिया के, हम माँ और बच्चे की सेहत की आगाही के हवाले से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगी आप इस मामले में? मैंने ये देखा है कि आगाही का बहुत ज्यादा, अगर हम किसी भी लेवल पे सेहत और खास तौर पे माँ और बच्चे की बेहतर करना चाहते हैं अपने मुआशरे में, तो इस मामले में जो मरकजी किरदार है वो आगही का है। आप एजुकेट करें उन लोगों को, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल आप लोग यानी मीडिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत से मेडिकल कैंप्स करती हूँ, फ्री मेडिकल कैंप्स, और बहुत से देही इलाकों में, पेरिफ्रीज में, क्योंकि हमारे जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा काम होने का स्पेस, बहुत काम होने वाला है। तो मुझे ये एहसास होता है कि ये एक कदम तो है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, पेशेंट्स को फ्री देख रही हूँ, उनको फ्री दवाइयाँ भी मिल रही हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उस एक कदम के साथ मुझे और भी बहुत सारी टीम एफर्ट चाहिए होती है, जिसमें ऑफकोर्स मीडिया का रोल बहुत पिवोटल है, और साथ उस एरिया में जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे ये कोशिश होती है कि हम मुलाकात करें, उनको भी कुछ चीजें ऐसी बता दें जो कि हमने अपने बहुत से सालों में सीखी होती हैं, ताकि जब हम मेडिकल कैंप करके वापस आ जाते हैं तो अगले एक हफ्ते या कुछ दिन अगर हम वहां नहीं हैं तो बहुत सा ऐसा काम है जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो कर रही होती हैं। और जब लोगों को ये आगही होती है, जैसे माँ को ये बताया जाता है कि आपने हमल के दौरान ये एहतियाती तदाबीर करनी है ताकि आप और आपका बच्चा, आने वाला बच्चा, उसकी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि बच्चा पैदा कर लेना काफी नहीं है। हमें एक ऐसा मुआशरा चाहिए कि वो माँ जो है वो भी डिलीवरी के बाद एक सेहतमंद और एक एक हेल्दी प्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ, और वो बच्चा भी जो आने वाला है वो भी हेल्दी रहे, फिजिकली भी रहे, और उस माँ को। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको मिलके मीडिया को, हमें डॉक्टर्स को, हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स को और बहुत से और इदारों को, हम सबको मिलके, और हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सी और स्पेस है काम करने की इंशाल्लाह ताला, एंड वील डू इट इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कब से इस फील्ड में है, और आर्टिस्टों के हवाले से भी जानना चाहेंगे। जी मुझे तकरीबन 15 से 20 साल हो गए स्कूल लाइफ से ही। अच्छा, स्कूल लाइफ से ही आपने स्टार्ट किया? उसके बाद ये है कि मैंने बेसिकली जो ट्रेनिंग ली है वो इंडिया से ली है, NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में काम स्टार्ट किया। पहले तो मैं लाहौर और इस्लामाबाद में रहा, फिर क्योंकि मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है मुजफ्फरगढ़ से है, फिर मैंने यहाँ पर आके एक एसोसिएशन बनाई, मुजफ्फरगढ़ आर्ट्स एसोसिएशन। तो उसका मकसद यही है कि आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। फिर मैंने जनूबी पंजाब में काम शुरू कर दिया, और अभी ये है कि हम लोग ज्यादातर जो काम हमारा फोकस है वो है कि सोशल थिएटर के ऊपर और डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर, उसके साथ साथ हम टेलीफिल्म्स वगैरह भी बनाते हैं। तो हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है, जिसमें से डॉक्टर साहब अभी बात कर रही हैं अभी माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से, तो हमारा भी इसी तरह से होता है कि हम इन इश्यूज को उठाते हैं और इनके ऊपर हम सोशल थिएटर करते हैं, वो भी यानी कि कम्युनिटी बेस, उन इलाकों में जाके जहाँ पे ये जरूरत है या जहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, वहाँ पे जाके हम जो है ना परफॉर्मेंसेस के जरिए लोगों को एजुकेट करते हैं और उसमें लोगों को बताते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लेक्चर से या समझ लें बातों से नहीं समझ आ रहे थे, आप प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म करके, बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्म करके जब हम लोगों को समझाते हैं तो फिर उनके लिए आसान हो जाते हैं।
अच्छा, इस तरह के वाकई इस तरह की चीज़ें हम लोग आज सुबह भी हमारी टॉप स्टोरीज में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, बहुत टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, हम पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल देखें तो हर अल्लाह ताला ने हर बंदे में कोई ना कोई सलाहियत रखी है, तो हर बंदा आर्टिस्ट है, बस बात यह है कि उसको पॉलिश करने की जरूरत है। जिस तरह यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी सलाहियत को पहचाना और उसके बाद वो काम भी कर रहे हैं, हम देखते हैं उन लोगों की यहाँ पे, यहाँ अकेडमीज नहीं है जो हमारी यंग जनरेशन है जो आना चाह रही है, जो सीखना चाह रही है, उनके लिए कोई इस तरह का कोई अकेडमी नहीं है, कोई इदारा नहीं है, इसके बारे में आपका कहना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, असल में बात यह है कि पहला तो ये जो फर्ज बनता है जितनी भी यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल्स हैं, देखें आप डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, जनूबी पंजाब में देखें तो ये तीन बड़ी आर्ट्स काउंसिल्स हैं यहाँ पर, तो इनका फर्ज बनता है कि ये यहाँ पर कोई इस तरह की क्लासेस का अरेंज करें बाकायदा तौर पर। अगर ये करते भी हैं तो वो फिर चंद लोगों को बुला के, वो दूर अफ्तादा जो लोग हैं, आर्ट्स काउंसिल फिर मुल्तान तक तो नहीं महदूद ना, मुल्तान तो पूरा एक डिवीजन है, बिल्कुल ऐसी यहाँ पे कस्बे भी हैं, तहसीलें भी हैं, डिस्ट्रिक्ट भी हैं, तो वहां तक इस तरह से काम होगा। या तो ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए आर्ट्स काउंसिल्स जो हैं, ताकि वो जो है ना अपने पूरे जिले को देख सके और वहां पे उनके लिए ये सहूलियात हो कि उनके लिए एकेडमीज हो, वहां पे टीचर्स हो, वहां पर बकायदा वर्कशॉप्स हो, तो फिर वो काम बेहतर हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखें तो थिएटर हो रहा है, एट ए टाइम 10-10 थिएटर भी हैं मुल्तान में, मेरे ख्याल में एट ए टाइम 5-6 थिएटर हाँ जी काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं है जो बाकायदा तौर पर आप समझ लें कि लोग अच्छे परफॉर्मर जहां से निकले या टैलेंटेड लोगों को मौका मिले वहां पे काम करने का, वो एक मखसूस किस्म के लोग हैं और उन थिएटर्स को देखने वाले भी मखसूस किस्म के। पहले देखें कि बहुत अरसा पहले यहां पर जब आर्ट्स काउंसिल होती थी तो यहां पर एक एक हफ्ता टिकट नहीं मिलता था उसके ड्रामे का, क्योंकि वो फैमिली थिएटर होता था। तो यहां पर जोर ये है कि सोशल और फैमिली थिएटर अगर उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो मैं समझता हूं कि फिर इस तरह से लोग जब उनको देखने के लिए निकलेंगे तो एक तो आर्टिस्टों को जो है टैलेंट भी निखर के सामने आएंगे। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंसी के दौरान आप क्या देखती हैं हमारे जनूबी पंजाब में खवातीन को किन मसाइल का ज्यादा सामना करना पड़ता है? बहुत सारा तो जो लेडीज हैं उनको पता नहीं होता कि मैंने कब दिखाने आना है, आने में भी प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत है, आना मुश्किल भी है। इसीलिए मैंने ये बात की थी कि हमने इनको ये बताना है कि आपके अंदर खून की कमी बहुत कॉमन है, यहाँ पे गजाई किल्लत है, गुर्बत है, अवेयरनेस कम है, तो जो खून की कमी है हमारी लेडीज में, हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इसलिए अच्छा। इसके अलावा अब तो ब्लड प्रेशर जो है लेकिन अच्छी लोगों को जब आगे ही देते हैं चीजों में, क्योंकि जैसे खून की कमी है, ब्लड प्रेशर हाई होना प्रेगनेंसी के दौरान, इसके अलावा शुगर के अमराज जो प्रेग्नेंट लेडीज में है ये बहुत कॉमन हो गया, हमारी डाइट इस तरह की है, फिर हम लोग वैसे भी साउथ ईस्ट एशियन से, हमारी एथनिसिटी, हमें ज्यादा 40s के बाद ये चांसेस होते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज हमें जो पैटर्न है वो सेडेंट्री है, हमारे अंदर इस चीज की आगही कम है, अवेयरनेस कम है कि वॉक का या एक एक्टिव लाइफ का और अपना इस चीज का बहुत अहम किरदार है। तो ये वो मसाइल हैं जो कि फिर डिलीवरी के वक्त बहुत सारी लेडीज जो हैं वो प्रॉपर जगह पे नहीं जाती, एक लो रिस्क अगर प्रेगनेंसी है तो उसकी डिलीवरी शायद इतनी ज्यादा खतरनाक पेरिफ्री में नहीं होगी, लेकिन अगर एक बहुत हाई रिस्क है, पहले उनके 4-5 सिजेरियंस हो चुके हैं और ऑपरेशन हो चुके हैं, किसी और किस्म के ऑपरेशन, शुगर अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस तरह के जो अमराज जिन खवातीन में होते हैं उनकी डिलीवरीज अगर पेरिफ्रीज में होती हैं तो वो एट टाइम्स ऐसी पेचीदगियों का शिकार हमारी खवातीन जो है आज भी अमवात का शिकार हो रही हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह इन्होंने इतनी खूबसूरत बात कही कि हम उन लोगों को ये अवेयरनेस देंगे
वो इंतजार में, वो आप और मैं बैठ के और ये हम ये बात कर रहे हैं, दे आर ऑल लिसनिंग टू अस, दे आर वेटिंग के हम उनको बताएं. इसलिए ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम सब मिलके जब एड्रेस करते हैं, हम इन तक जाते भी हैं, कोशिश करते ये होती है कि इन तक जाएं, और जो लोकल उन एरियाज में हमारी मिडवाइफ्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं. वी ट्राई, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर वी आर ट्राइंग के इस तरह की कोऑर्डिनेशन हो जाए कि मिससेप्स कम से कम हो, जो हम तक पहुंच पाए वेल एंड गुड, जो नहीं पहुंच पा रहा उसके पास हम पहुंच जाएं, या वहां जो एक लोकली हम एक एक्सपर्ट टीम हो जो कि बीएचयूज में टीएचक्यूज में अवेलेबल है टू सम एक्सटेंट, बट उनको ट्रेन करने की भी ज्यादा जरूरत है. इस तरह इंशाल्लाह हम मिलके इस चीज को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं. अच्छा, जिस तरह लेडी हेल्थ वर्कर का जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसी हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो डोर टू डोर जाती हैं और अवेयरनेस के हवाले से काम कर भी रही हैं कि जितना हो सकता है जो हमारी खवातीन हैं उन तक अवेयरनेस जा सके, उनको अच्छा लेडी हेल्थ वर्कर को भी एजुकेट करना और ट्रेन करना ये भी मायने रखता है कि ताकि वो जो एक मैसेज जो हम हर खवातीन को पहुंचाना चाहते हैं वो उस तक उसी तरीके से कन्वे हो सके. तो वो किस तरह आप लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो है वो ट्रेन करती हैं और एजुकेट करनी? वी आर ट्राइंग एक्चुअली, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और ऑर्गेनाइज होना होगा. ऑल्दो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ टीम, उनके बगैर आर टीम इज इनकम्प्लीट, लेकिन वी आर एक्चुअली ट्राइंग कि हम ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से उनको. अभी तो ये होता है ना कि जब आप मेडिकल कैंप करने एक पेरिफ्री में जाते हैं, आप किसी गांव में चले गए, तो वहां की जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं कोशिश होती है कि आप उनको इकट्ठा कर लें और उसके बाद उनसे पूछें कि यहाँ के लोकली क्या मसाइल हैं जो आप फेस कर रही हैं, और आप बताएं किस तरह हम डॉक्टर्स इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं, फ्री दवाइयां दे देंगे, यहाँ हर हफ्ते आ जाएंगे, और आपको जो कॉमन मसाइल लग रहे हैं उनके बारे में आप बताइए, फिर उनके मसाइल भी सुनने होते हैं कि आप किन चीजों को क्या लोकली ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स या ऐसे कल्चरल फैक्टर्स हैं, कोई ऐसे टैबूज हैं जिनकी वजह से आपको भी मुश्किलात का सामना हो रहा है. तो ये बड़ा अच्छी बात है कि हमारी आपस में उनके साथ एक कम्युनिकेशन रहेगी, तो हम मिलजुल के एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को भी हल करेंगे और वहाँ के लोकली जो कम्युनिटी है उनके प्रॉब्लम्स को भी हल कर पाएंगे. अच्छा, अब तक आपको कितने कैंप्स आप लगाए हैं आपने या अभी आपने लगाने हैं? लगा तो हम कंटिन्यूसली रहे हैं, एवरी वीक देयर इज अ कैंप. आई डोंट हैव अ काउंट, मतलब हम तो बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जहाँ जहाँ तक हम जा सकें, क्योंकि लोग बहुत दूर से आते हैं. हमारा ये जो मुल्तान है यहाँ पे, इवन कोल्लू से बहुत दूर एरियाज हैं जहाँ से हमारे पेशेंट्स आते हैं, यू नो दे आर फार फ्लंग एरियाज. तो कोशिश ये होती है कि जहाँ जहाँ तक हम जा सकें, ये अलीपुर लैया ये सब एरियाज, कोशिश तो यही है कि हर जगह पे जा सकें जहाँ जहाँ दस्तरस है. बट उसमें ये है कि मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी होगी कि हमें आप भी सपोर्ट कीजिए, सो दैट यू नो जो एजुकेशन जिस हद तक हम दे सकते हैं वो भी दें, और बाकी फिर एज अ टीम हम सब मिलकर ये काम करें. अच्छा काशिफ, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह आर्टिस्टों के हम मसाइल तो बहुत सारे हैं, ज्यादा किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आर्टिस्टों को? आर्टिस्टों का आजकल जो पहला मसला है वो ये है कि उनकी बेरोजगारी. वो क्योंकि जो उस तरह से आर्टिस्ट अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, और समझ लें कि फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है. अच्छा, उस तरीके से काम हो, हाँ जी, हो नहीं रहा, और खासतौर पे हमारे जो जनूबी पंजाब के आर्टिस्ट हैं इनमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से गुर्बत, बीमारी और बहुत से मसाइल का शिकार है आर्टिस्ट. उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर लाहौर कराची में चैनल्स भी हैं, वहाँ पर काम भी हो रहा है, टीवी का भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है. यहाँ पे एक तो काम भी नहीं हो रहा, दूसरी बात यह है कि आर्टिस्टों के लिए कुछ बेहतर सोचा भी नहीं जा रहा. अब देखें, गवर्नमेंट कुछ कर तो रही है, अल्लाह करे कि वो पाए तकमील तक पहुँच जाए, तो फिर आर्टिस्टों के खासतौर पर जो मसला है वो यही है कि उनकी बेरोजगारी, और फिर बेरोजगारी के साथ साथ फिर ये देखें कि बीमारी, गुर्बत, और फिर इस तरह. अच्छा, सबसे हमारे पास जितने भी आर्टिस्ट हमारे शोज में आए हैं उनका यही सबसे जो मेन इश्यूज मैंने भी यही देखे कि उनका हेल्थ के हवाले से देख लें कि उनको कोई फैसिलिटी, वो यही हमेशा उनकी रिक्वेस्ट होती है कि जब वो एक जवानी में होते हैं तो काम कर रहे हैं उनको एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो जैसे ही काम बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो बुढ़ापे में उनको कोई भी इस तरह का, शायद हुकूमत की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स इस तरह का नहीं मिलता कि उनको मुआशी तौर पर उनकी मदद की जाए या उनको हेल्थ के हवाले से कोई फैसिलिटी दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें. अगर हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट, माशाल्लाह मैंने बड़े जो हमारे लेजेंड अदाकार गुजरे हैं मैंने उनको देखा है एक बीमारी से लड़ते हुए, और एक तो बीमारी से लड़ ही रहे हैं
फिर दूसरा गुर्बत का भी शिकार है और वो उसी गुर्बत और उसी बीमारी की जंग में वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वो एक बेसहारा और बेआसरा सा एक अपने आप को ना वो इनसिक्योर सा फील करते हैं कि हमें कोई यहाँ पे सिक्योर नहीं किया जाता। असल में बात यह है कि आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा एक मसला होता है, वो ये होता है कि एक कोई भी आर्टिस्ट है जैसा से आपने बात की कि जवानी में तो वो काम भी कर रहा होता है, उसने कहा ठीक है कर रहा है, चल रहा है, लाइट किस्म की लाइफ में होता है, और फिर जब वो बुढ़ापे में आता है एक तो उसे काम मिलना भी बंद हो जाता है, दूसरी बात ये होती है कि उसने कोई इतना तो उसको मुआवजा मिलता नहीं कि वो इतना कुछ जोड़ इकट्ठा कर ले और उसको बाद में जिस तरह का महंगाई का दौर है और जिस तरह हमारे मसाइल हैं, हमारी चीजें हैं, वो मेरे ख्याल में मैनेज करना बड़ा हाँ जी जितना आता है उसमें मेरे ख्याल में वो सारा ही लग जाता हाँ है। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि आर्टिस्ट जो होता है ना वो उसको काम ही सिर्फ यही आता है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। वो अब जो आर्टिस्ट आप देखेंगे ड्रामों में कहीं वो सेठ बना हुआ है, कहीं पे वो कुछ बना हुआ है, हाँ। और फिर वो बाद में ना वो रेडी लगा सकता है ना वो कोई इस तरह का काम कर सकता है कि जिससे जो है ना वो अपनी घर का सिलसिला जो है जिस सिलसिला जारी रख सके, तो इसलिए वो थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने किया है कि आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के हवाले से ना अच्छा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मांगी हैं, तो देखें इस पे कब अमल दरामद होता है। तो अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब तक आप क्या समझते हैं हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है? अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा आर्टिस्टों के लिए या ऐसी आर्टिस्टों के लिए वैसे तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं उनको डिस्कस करने बैठे तो फिर तो अभी और ही चले। अभी तक ये पहला स्टेप ही है गवर्नमेंट का कि उन्होंने जो है ना फॉर्म्स मांगे हैं आर्टिस्टों से, 30 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उनसे फॉर्म मांगे हैं और देखें अब लोग जमा करा रहे हैं, अब उसके बाद पता नहीं क्या होता है। चलो जी अल्लाह करे बेहतरी हो जो भी हो आर्टिस्टों के लिए कोई अच्छी ही खुशखबरी है। अच्छा अकेडमीज के हवाले से बात करेंगे, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर मैं आप सीख कर आए तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे जितने भी यंग जनरेशन है जो इस तरफ आना चाहती है अदाकारी वाली साइड पर आना चाहती है म्यूजिकल बहुत सारी चीजें हैं, आपकी तरफ से आप क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरगढ़ आर्ट्स एसोसिएशन एक इदारा बनाया है और इसके थ्रू हम ये करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के इवेंट्स होते हैं या प्राइवेट भी एनजीओ सेक्टर के हवाले से या दीगर इदारों के साथ मिलकर हम मुख्तलिफ फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उससे पहले ये है कि एक ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करा देते हैं हम जिससे नए टैलेंट को सामने लाते हैं, और फिर उसमें ये होता है कि एक तो नया टैलेंट सामने आता है, दूसरा ये कि वो पॉलिश होके आता है और बकायदा उनको जो है ना स्क्रिप्ट राइटिंग डायरेक्शन और एक्टिंग उनकी बकायदा हम क्लास देते हैं अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू, फिर वो जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो फिर अच्छी परफॉर्मेंस होती है। ज्यादातर हम जो है ना वो सोशल इश्यूज को ही हाईलाइट करते हैं ताकि उनके थ्रू ये है कि थिएटर के थ्रू या वीडियोस के थ्रू या डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू वो लोग ज्यादा से ज्यादा उससे अवेयर हो सके। लोगों का रिस्पांस क्या देखते हैं आप, लोग क्या चाह रहे हैं? लोग बहुत लाइक करते हैं और मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा दूसरे ममालिक की, मैं इंडिया की बात नहीं कहूंगा, मैं दूसरे ममालिक की अगर आपको एग्जाम्पल दूं, वहां पर सिनेमा के टिकट से ज्यादा महंगा थिएटर का टिकट होता है। अच्छा बाहर के मुल्कों में वाकई ये चीज है, वो लोग लाइव जो थिएटर है जो लोग बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं। हाँ जी, तो उसको वो बड़े महंगे दामों टिकट खरीद कर और पूरे पूरे महीने उनको एडवांस बुकिंग करा के और वो जाके देखते हैं। तो यहाँ भी पहले इसी तरह से था, तो मेरी जो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है और आप लोगों से भी मीडिया के थ्रू कि फैमिली थिएटर को दोबारा से बहाल किया जाए ताकि जो है ना अच्छे स्क्रिप्ट्स हों। अभी पिछले दिनों आर्ट्स काउंसिल में फैमिली थिएटर का एक फेस्टिवल हुआ है, एक ड्रामा फेस्टिवल हुआ था जी, और तकरीबन पूरा हफ्ता चलता रहा है और आप सरमत को सर जो है बिल्कुल उन्होंने वो किया था बड़ा अच्छा लोगों ने, और रश इतना कि मैं भी देखने जाना चाह रही थी लेकिन मुझे बदकिस्मती से जो है वो जगह ही नहीं मिली और मैं नहीं जा सकती, लेकिन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया बिल्कुल, क्योंकि ये जो लाइव होता है ना कोई भी चीज हो लाइव मैच हो लाइव परफॉर्मेंस हो लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो कुछ भी हो उसमें लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और लोग आज हम सुबह में यही बात कर रहे थे कि लोग इंटरटेनमेंट चाहते हैं जिस तरह हम बिल्कुल। अच्छा जी मजीद भी इनसे गपशप का सिलसिला जारी रहेगा, नाज़रीन हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि माँ को किस तरह एजुकेट किया जाए, सालिया जाहिर सी बात है माँ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो उसको पता होना चाहिए कि किस तरह वो अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी और उसके बाद भी जब बच्चा डिलीवरी के बाद भी। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारी कितनी सारी माएँ हैं जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही होंगी, और मेरा उन बहनों के लिए भी ये मैसेज होगा कि एक तो इस तरह का अवेयरनेस जब भी प्रोग्राम होता है थोड़ा सा वक्त निकाल के, हमारी कोशिश होती है कि हम, हमारी ये काविश है कि आपको मैसेज दे दें, उनको एजुकेट करने का सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि हम उनसे खुद इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, जो कि जैसे कैंप्स और उनके थ्रू हो जाता है, फिर ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए। नंबर थ्री ये हो गया कि आपकी जो लोकली वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज दे रही हैं, हाँ, जिनमें वेट वाइफ्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके थ्रू। अच्छा, फिर ये है कि जब भी वो हमारे पास दिखाने आती हैं तो एक पूरा खानदान होता है। अगर आप एक कपल बैठा हुआ है ना, उनको अगर आप एजुकेट कर देंगे थोड़ा सा कि भाई प्रेगनेंसी से पहले एक चक्कर लगा लें डॉक्टर के पास, कि अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या आपका बच्चा पिछला बहुत छोटा है, कुछ माँ का है हमारी जहाँ प्रेगनेंसीज बड़ी जल्दी जल्दी हो रही होती, हाँ, है, अभी तक माँ उस पिछले ट्रॉमा से निकली नहीं होती, खून की कमी भी वैसे ही चल रही है, प्रॉब्लम्स वैसे ही चल रहे हैं, बच्चा मदर की फीड के ऊपर है, बच्चा अभी माँ का दूध ले रहा है तो अगली प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, अब वो माँ और बच्चा दोनों सफर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम अपने बहुत सारे इस स्टेप्स के थ्रू अपनी मदर्स को गाइड कर सकते हैं कि आप इन एहतियाती तदाबीर या इन स्टेप्स के थ्रू अपनी हेल्थ भी बेहतर कर सकती हैं, अपने बच्चों की भी और अपने सारे खानदान की। इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है उनके बाकी खानदान के मेंबर्स का भी है, जहाँ हम सब का है, क्योंकि अगर उनको वो सपोर्ट नहीं होगी, जैसे एक माँ जो है, हमने ये बात की कि उसको प्रेगनेंसी से पहले एक दफा जरूर दिखा लें, उसका फायदा ये होगा कि अगर उनमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे उनके आने वाले बच्चे या जो होने वाला हमल है उसमें एक नेगेटिव इफेक्ट या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, तो उस चीज को बर वक्त एक डॉक्टर जो है वो तशखीस करके उसको हल कर देंगे। कोई दिल का मसला चल रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसको कंट्रोल कर लेंगे हमल से पहले, शुगर है तो उसको कंट्रोल कर लेंगे, बजाय इसके कि एक ऐसा हमल हो जो एबनॉर्मल हो, उसके बाद माँ उस तकलीफ से गुजरे, जाया हो जाता है ऐसा हमल, फिर माँ बहुत ज्यादा ट्रामा से गुजरती है, फिर खून की कमी है, उसके लिए हम ऐसी डाइट उनको बता दें, ऐसी दवाएं शुरू कर दें कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एंटर होने से पहले ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाए। फिर जब इंशाल्लाह ताला प्रेगनेंसी होती है उसमें ये है कि हम उससे पहले जैसे फॉलिक एसिड शुरू कर देते हैं, ये अक्सर हमारी माओं में इसकी कमी है, जहाँ खून की कमी है उसकी बहुत सी वजूहत है, हाँ, डाइट्री भी है, फॉलिक एसिड की कमी है, हम ये एक सिंपल सी बड़ी सस्ती सी गोली है, ये हम हमल से पहले, मैं ये कह देती हूँ कि जी 3 माह पहले आप ही शुरू कर दें, इससे बच्चों में बहुत सारे जो नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं या बहुत सारे हमल जो जाया हो जाते हैं वो बच जाते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप फर्स्ट टाइम जब आती हैं तो अब इसमें हमने ना डिवाइड किया हुआ होता है, हमारी कुछ मदर्स जिनकी सेहत ठीक होती है उनको, हाँ, बहुत फ्रीक्वेंटली आने की जरूरत नहीं होती, तो उनको फिर हम ट्राइमेस्टर वाइज बुला लेते हैं कि जी फर्स्ट 3 मंथ्स में आप आए, आपके बेसलाइन टेस्ट एक दफा हमने कर लिए, ये आपका ब्लड टेस्ट है, आपके जो है यरकान के टेस्ट कर लेते हैं, आपके शुगर के कर लेते हैं और आपके यूरिन के टेस्ट, पेशाब वगैरह के करते हैं, अगर किसी चीज में प्रॉब्लम शुरू में ही डायग्नोज हो जाए बर वक्त उसकी तशखीस होती है और इलाज। एंड कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी हैं जो हाई रिस्क है उनको हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं, साथ साथ बताते भी हैं कि ये प्लान है, अब आपने 2 हफ्ते के बाद आना है। नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी पहले 3 महीने में, तो एक विजिट काफी होता है, बशर्ते कि वो विजिट प्रॉपर हो, उसमें बेबी के अल्ट्रासाउंड करके उनकी डिलीवरी की डेट कैलकुलेट कर ली जाए, उनके टेस्ट्स बेसलाइन कर ली जाए, ब्लड प्रेशर शुगर सब देख लिया जाए, फिर आप उनको आप आराम से 3 महीने के बाद बुला सकते हैं, और फिर 5वें माह में बुलाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रेगनेंसी आगे जाती है 7वें 8वें महीने, फिर जरा ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम बुलाते हैं, लेकिन वो माएँ जिनमें कोई ना कोई पेचीदगियां या प्रॉब्लम्स चलते हैं उनको हम ज्यादा जल्दी बुलाते हैं। तो मेरा ये पैगाम होगा कि ये सारी फैमिलीज जो हैं जिसमें बहुत ज्यादा रोल हस्बैंड्स का भी है, हाँ, तो आप सपोर्ट करें हम सबको, सारी फैमिली अगर सपोर्ट करेगी तो हम भी अपना काम ऐसे तरीके से अंजाम दे सकेंगे, उनको लाएं हमारे पास, हम तो बैठे हैं, हम तो आपके पास भी आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आके उन माओं के लिए, उन आने वाली अपनी पूरी नस्ल के लिए इंश्योर करना चाहिए कि वो फिजिकली और बाकी और लिहाज से भी एक हेल्दी जनरेशन हो। बिल्कुल, हम सब मिलकर इंशाल्लाह करेंगे तो ये। अच्छा, बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं जो शायद मेरे फैमिलीज में भी मैंने ऐसे देखा है जो इतनी एजुकेट नहीं होती, लेकिन उनकी वही पुरानी सासों का तरीके कार होते, क्या हर वक्त
डॉक्टर्स के पास जाना और क्या करना, क्या हम लोगों ने बच्चे नहीं हमने पैदा किए या अनोखे वो कर रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती जिससे प्रॉपर डॉक्टर्स के पास नहीं लाया जाता और देन फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है देन उनको इस तरह के मसाइल का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। इस तरह की फैमिलीज को किस तरह वो अवेयर किया जा सकता है? इनफैक्ट आप जब किसी भी चैलेंज को लेते हैं तो वहां की कल्चरल जो इश्यूज होते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं और इसीलिए मैंने शुरू में एम्फेसाइज किया ये चीज कि वहां की जो लोकल मिडवाइफ्स और हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जो कल्चर है ना उस जगह का अगर हम उसको समझेंगे नहीं और उसके हिसाब से डील नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी उन माओं को मिस कर देंगे जो हमारे पास आ ही नहीं सके। तो जाहिर है ये प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत सारी फैमिलीज में ये इस चीज को टैबू समझा जाता है, बुरा समझा जाता है कि डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत चेंज है, माशाल्लाह लोगों में इतनी अवेयरनेस अब आ गई है। मेरे पास ऐसे ऐसे इलाकों से लोग आते हैं और उनके घर वाले लेके आते हैं, उनके हस्बैंड आके हमें कहते हैं कि जी मैं कंसर्न हूँ, आप हमारी हेल्प करें, इनको इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप बताएं तो सही, आप बताएंगे हम करेंगे। तो वो सोच भी चल रही है लेकिन लोगों में पॉजिटिव चेंज भी है। हमने सबको साथ लेके चलना है और ये हम तभी कर सकेंगे जब सब ऑन बोर्ड आ जाएंगे, जो वहां का लोकल एक बंदा है चाहे वो हेल्थ वर्कर है या मिडवाइफ है, मैं अगर वहां जाऊंगी और उसको ऑन बोर्ड लूंगी तो मेरे काम की जो इफेक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि वो आपको उनके मसाइल का जो है वो पता चल जाता है कि क्या क्या मसाइल हैं जो हम हल कर सकते हैं। अच्छा काशिप, आपसे भी जानेंगे जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लोग क्या देखना चाहते हैं आजकल के लोग, जिस तरह हम माशरे में देखते हैं हम इंटरटेनमेंट चाह रहे होते हैं क्योंकि हर तरफ कहीं किसी मसाइल में उलझे हुए होते हैं, फिर हम चाह रहे होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें, तो जाहिर सी बात है हमारे पास यही इंटरटेनमेंट की चीजें हैं, या हम ड्रामा देख लें या थिएटर देख लें या फिर फिल्म देख लें, तो हमारा जो मयार है फिल्म इंडस्ट्री का या ड्रामा का क्या समझते हैं बेहतर है, किस तरह इसमें बेहतरी, क्योंकि जवाल पजीर का तो शिकार हम हैं फिल्म इंडस्ट्री वाली साइड पर आ जाए तो क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी काम हो रहा है और काफी सारी ऐसी नई फिल्म्स आई हैं जो बेहतर हैं और लोग उन्हें देखने भी जा रहे हैं सिनेमाज में और दुआ गो हैं कि आगे भी इससे बेहतर हो। बाकी जहाँ तक ड्रामा है, ड्रामा हमारा आज भी रिच है, ड्रामा जो है वो हमारा चाहे पीटीवी का हो चाहे दिग्गर चैनल्स का हो उसको आज भी वैसे ही पसंद किया जाता है और खास तौर पे जो हम ड्रामा अपना ट्रेडिशनल जो हमारे वैल्यूज हैं या इश्यूज हैं उनके ऊपर जब हम बनाते हैं तो उसको लोग बहुत अच्छे से देखते हैं और पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो जहाँ तक बात है थिएटर की, थिएटर भी आज बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो आर्ट्स स्पेशली आर्ट्स के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं और उनका जो थिएटर होता है वो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान के ग्रुप्स जाके थिएटर के हवाले से काम कर रहे हैं। तो जो असल इशू है वो ये है कि इसके ऊपर इस तरह से काम किया जाए कि ये छोटे लेवल पर भी काम हो, यानी बड़े शहरों में तो हो रहा है लेकिन छोटे शहरों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर हमारा जो आर्ट्स एंड कल्चर है इसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए और इन लोगों को फिर मौका दिया जाए ये बड़े शहरों में और दीगर ममालिक में भी, जैसे बड़े शहरों के फनकारों को मौका मिलता है इसी तरह से छोटे शहरों से भी लोग जाएं और वहाँ पे जाके परफॉर्म करें, एक तो उनके टैलेंट को पजीराई होगी, दूसरा ये है कि थोड़ा सा वो जब बाहर निकलेंगे तो वो अपने आप को उस तरह से नहीं महसूस करेंगे कि भाई जिस तरह से होता है कि वो गिल्टी फील कर रहे होते हैं या थोड़ा सा वो अपने आप को कमतर महसूस कर रहे होते हैं। तो जब वो बड़े शहरों में दीगर ममालिक में जाके परफॉर्मेंसेस देंगे तो उस तरह से ये होगा कि टैलेंट भी ज्यादा से ज्यादा निकलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा थिएटर्स की खस्ता हाली पर लाजमी हम बात करेंगे, नाज़रीन हमें आप लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा थिएटर्स की हम बात कर रहे थे, थिएटर्स का मैार हम देखें तो वहाँ पर हमारी फैमिलीज तो जा ही नहीं सकती, सीधी सी बात है जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो उसका मैार है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
जी बिल्कुल, मैं भी आपकी इसी बात से एग्री करता हूँ कि जो हमारा थिएटर है उसको बिल्कुल ही मैं तो ये समझता हूँ कि एक मखसूस तबके के लिए समझ लें कि चंद लोग हैं जो जाकर देखते हैं, फैमिलीज तो बिल्कुल ही नहीं जाती। तो वही बात है कि इसमें भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं खासतौर पर आर्ट्स काउंसिल को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखे और इस तरह के थिएटर्स जो है ना फैमिली थिएटर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि लोग जाएं देखें और उसमें इंटरेस्ट भी लें। और इसी तरह से ये होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली थिएटर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज जाएंगी, अच्छे अच्छे घरों से भी आर्टिस्ट आएंगे। अब बहुत सा ऐसे टैलेंट होता है जो नहीं आगे आ सकता। अच्छा, आप क्या समझते हैं एक राइटर का, एक प्रोड्यूसर का क्या रोल? हाँ जी, जाहिर है कि एक राइटर जो है वो क्योंकि आर्टिस्ट ने तो परफॉर्म करना है, जो उसको काम मिलेगा उसने वो ही सिलेक्ट करना है और उसको अपने जो उसको एक करेक्टर मिला है उसने अपने आप को उसी करेक्टर में ढालना है और उसमें परफॉर्म करना है। सबसे जो पहली जिम्मेदारी आती है वो होती है प्रोड्यूसर पे, यानी कि एक प्रोडक्शन अगर अच्छी होगी तो अच्छा प्ले होगा, अच्छे आर्टिस्ट उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। फिर प्रोडक्शन के बाद जाहिर है राइटर पर जिम्मेदारी आती है कि वो अच्छे इस तरह के ड्रामे लिखे जो बकायदा जो ड्रामा हो, ड्रामे के साथ मजाक ना हो, जो हकीकत में मबनी हो, जो आप देख रहे हो तो आपको पता लगे कि हाँ यार ये हकीकत में मबनी है। और ऐसी बात भी नहीं है कि मजाक भी होना चाहिए, तंज व मजाक जाहिर बात है कि फ्रस्ट्रेशन का दौर है तो तंज व मजाक के बगैर जो है ना वो जिंदगी ना मुकम्मल सी है। हंसना चाहते हैं लोग, लोग इतनी फ्रस्ट्रेशन में लोग हंसना चाह रहे होते हैं, अपने लिए एंटरटेनमेंट चाह के अपने आप को रिलैक्स कर सके। लेकिन मजाक इस किस्म का ना हो कि वो वल्गैरिटी बन जाए, तो मजाक होना चाहिए उसमें, उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जब आप इस तरह की चीजें लिखेंगे, राइटर्स इस तरह से, राइटर्स को भी तो मौका नहीं दिया जा रहा ना, वही ना वो जो है जो वो लिखना चाह रहे होते हैं या वो एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, शायद वो किसी और रीजन की वजह से वो भी नहीं बयान कर पा रहे होते हैं। नहीं, उनसे कोई लिखवाता ही नहीं ना। हाँ, वही बात, वो ड्रामा क्या है, वो कुछ भी नहीं है। वो चार लोग बैठ जाते हैं, तुमने ये कहना है, मैंने वो कहना है, उसने वो कहना है, वो खुद ही राइटर है, खुद ही वो डायरेक्टर है, खुद ही वो आर्टिस्ट है। हाँ, तो फिर किस तरह स्टोरीज और ड्रामा किया जा सकता है? तो अब जो हमारा मौजूदा थिएटर है उसमें से राइटर, सेट डिजाइनर, मेकअप मैन, डायरेक्टर, इन सब का समझ लें कि हिस्सा खत्म हो गया है। सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर और डांसर और आर्ट वो कॉमेडियन समझ लें, बस इन तीन लोगों का मेल ताल है। और बाकी जो वो सारी टीम थी, वो जो पीछे बैकग्राउंड में हाँ, काम किया करते थे, हद तक के बैकग्राउंड म्यूजिक भी खत्म हो गया। पहले तो ये होता था ना कि थिएटर शुरू हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है, चिड़ियों की चहचहाट है, सुबह का मंजर है, अजान की आवाज है, कोई भी इस तरह से सीन होता था वो बैकग्राउंड म्यूजिक में होता था, वो भी खत्म हो गया। अब तो बस वो चार लोग आते हैं, वो कोई जुगतबाजी करते हैं, उसके बाद एक लड़की आती है वो डांस करती है और उसके बाद फिर अगला सीन शुरू हो जाता है। तो ये वो जो चार पांच लोग हैं जो थिएटर का मयार है, हाँ जी, वो कायम नहीं है। जाहिर बात है जब राइटर नहीं होगा, जब डायरेक्टर नहीं होगा, जब सेट डिजाइनर नहीं होगा, सेट चेंज होते थे, यानी कि अगर आपने थाने का कोई सीन दिखाना है तो उस पर थाने का पूरा मंजर आ जाता था, अब तो वो एक ही उन्होंने सेट लगाया होता है, उसके ऊपर पूरा पूरा ड्रामा हो जाता है। वो ड्रामा भी क्या, वो ड्रामे के साथ मजाक ही होता है। तो इस चीज को जो है ना देखने की जरूरत है और इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो, जाहिर है जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं काम नहीं होंगे, इंस्टीट्यूट्स का भी तो बड़ा एक अहम किरदार है कि वो किस तरह। मुझे अक्सर बाय प्रोफेशन जो है ना मैं लॉयर हूँ। अच्छा, इतने सारे काम कर रहे हैं तो मुझे लोग कहते हैं कि आप आवाज उठाएं और हाँ। आप, मैंने कहा आवाज उठाते हैं हम लोग, उठा भी रहे हैं, हमने अपना इदारा भी बनाया, लेकिन जब तक पूरा एक सेटअप चेंज नहीं होता ना। अब देखिए, वो पहले जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी उसको कॉपी किया जाता था, तो वो कहाँ गई? वो सारा का सारा, वो देख लें कि चंद ऐसे नाअहल लोगों का फिल्म इंडस्ट्री पर राज हुआ कि उन्होंने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब वो नए तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं उसको,
लेकिन फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रिस्क समझते हैं ना लोग कि प्रोडक्ट, पहले बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते थे, पैसा लगाते थे और फिर उनको पैसा मिलता भी था, यानी कमा भी लेते थे। बहुत अच्छी मूवीज हमारी, हाँ, पाकिस्तानी मूवीज देख लें, हमारी पुरानी, हाँ जी, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज, म्यूजिक देख लें उनका, उनका स्टोरीज देख लें। तो अब तो इस तरह से कुछ भी नहीं है ना, अब वो बेचारा कोई रिस्क लेके लगाता भी है पैसा तो वो पैसा वापस नहीं आता। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे सिनेमा भी तो खत्म हो गए। आप देखें, आप सिनेमाज, लोगों का बड़ा रुझान होता था एक टाइम, होता था सिनेमाज, हाँ जी, वो बहुत कम, लेकिन बीच में एक सिलसिला शुरू हुआ, हुआ और फिर वो, क्योंकि पाकिस्तानी की मूवीज जो है वो कुछ अच्छी बहुत आई, हाँ, उनकी स्टोरी, जिनका रुझान लोगों का बढ़ा के सिनेमाज की, सिनी स्टार वगैरह और इस तरह से वो हुआ। लेकिन अभी भी आप देख लें कि अपने मुल्तान शहर की अगर हम मिसाल लें तो जहाँ पे यहाँ पे 50-60 सिनेमाज होते थे, वहाँ पे अब 5-10 सिनेमा रह गए, वो बाकी सारे या तो प्लाजा बन गए हैं या खत्म हो गए। तो इस पर भी थोड़ा सोचने की बात है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इंटरटेनमेंट किस तरह से जगह हैं उनको कमर्शियल उसमें दूसरे, हाँ जी, प्लाजों में और इस तरह से ना वो किया जाए, बल्कि उस पर ये पाबंदी होनी चाहिए कि यहाँ पे सिनेमा है तो यहाँ सिनेमा ही रहे। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से और उनकी अवेयरनेस के हवाले से, साथ आपसे ये भी जानेंगे माँ की खुराक क्या होनी चाहिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, बेसिकली उस खुराक में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि वो एक बैलेंस डाइट बन जाए। इसमें मौसमी फल होने चाहिए, मौसमी सब्जियाँ जो चल रही हैं, बेस्ट ये होता है। अच्छा, फिर खास तौर पे प्रेगनेंसी में यानी हमल के दौरान हम कहते हैं कि मदर्स हमेशा अपनी लिक्विड इंटेक ज्यादा अच्छी रखें। अब लिक्विड्स में भी बेस्ट ये है कि पानी हो, दूध लें या जो मौसमी फल हैं उनका जूस ले लें। और अगर आप मौसमी फल खा रही हैं तो दैट इज द बेस्ट, फाइबर भी साथ आ रहा है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन और ये सारे प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में चल रहे होते हैं ये अवॉइड हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी, क्योंकि देखिए हमने ये देखना है कि वो प्रोटीन्स भी लें, वो कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, फैट्स भी लें, उसके अंदर मिनरल्स भी हों। तो इसलिए अगर वो मौसमी फल और सब्जियां लेंगी ना तो उसके साथ एक तो फाइबर इंटेक बड़ा अच्छा हो जाएगा और हर चीज के अंदर कोई ना कोई विटामिन और जो उसमें मिनरल्स हैं या ये चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा जो खास तौर पे मैं कहती हूँ ये है कि चूंकि हमारी माओं के अंदर खून की कमी का जो इंसिडेंस है वो काफी ज्यादा है, परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो फिर मैं खास तौर पे उनको ये कहती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें से आपको जो पसंद आ जाए, प्लीज आप चूज ही ना हो, जिनमें मैं अक्सर इनको कहती हूँ कि आप सेब, खजूर, चुकंदर, अनार, साग, पालक, जिसका भी मौसम अभी गुजर रहा है, तो ये चीजें मैं कहती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लें। अच्छा, मीट लें, मीट में ये है कि अगर आप हफ्ते में भी 2 दफा ले रही हैं तो ये आपकी कम से कम प्रोटीन रिक्वायरमेंट और आयरन, ये दो चीजें आपकी बॉडी में, जो कि बहुत, चूंकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हमारी मदर्स और बच्चे जरा ज्यादा हैं और फिर मदर्स के ऊपर प्रेगनेंसी का एक ज्यादा लोड पड़ता है, ज्यादा स्ट्रेस होता है, दो जाने हैं ना जी, तो वो जी, तो ये इन चीजों पर ज्यादा एम्फोसिस होता है कि जो आपके घर की नेचुरल कुदरती चीजें, प्लीज सब कुछ लें। और माँ को शुरू में 3 महीने अक्सर ये होता है कि वॉमिटिंग्स चल रही हैं तो उस दिल खराब होने की वजह से वो खाना पीना छोड़ देती जी, तो पहले 3 महीने में अक्सर माओ का ना वेट लॉस हो जाता है, गेन नहीं होता, रादर कम हो जाता है। फिर हम उनको बताते हैं कि आपको जो पसंद आ रहा है बाजारी चीजों से बेहतर है घर से जो कुछ जनरेट हो रहा है प्लीज आप वो लीजिए। और साथ साथ हम बताते भी रहते हैं अगर किसी चीज में ज्यादा मसला हो किसी टेस्ट में, फिर हम उनको वो चीज ज्यादा, जैसे आयरन डेफिशिएंसी का मैंने बताया, तो इसमें से जो हम कहते हैं अवेलेबल है आपको रेडिली, एक्सपेंसिव ना हो, आपको रेडिली चीज अवेलेबल है तो आपको चीज़, हर बंदा जो अफोर्ड कर सके जो जी जो उसके उसमें मुताबिक। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों हमारे शो में। हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें आप दे सकती हैं साले। बस हम मिलके एज अ नेशन बहुत जरूरत है कि हम एक दूसरे के लिए काम करें। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने प्रोग्राम्स में और ड्रामास में स्पेशली और थिएटर्स में हमें ये दिखाना चाहिए कि हम एक दूसरे को किस तरह से अच्छे तरीके से टॉलरेट कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है कि हम एक दूसरे के लिए बहुत बेसब्रे हो चुके हैं, तो तभी हम मिल बैठ के ये सब कुछ कर सकेंगे। जैसे मैं हेल्थ के बारे में काम करना चाहती हूँ, मैं माँ और बच्चे की सेहत के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ क्योंकि दिस इज माई डिपार्टमेंट। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगी कि हम सब एक टीम है, अगर हम मिल के आपस में एक दूसरे के साथ सब्र तो हमल के साथ दूसरे की छोटी छोटी बातों को हम कवर रखें, इग्नोर करें और कवर रखें, क्योंकि आज अगर हम दूसरों का रखेंगे तो अल्लाह ताला कल को हमारी बहुत सी। तो आई थिंक एज अ टीम अगर हम एक दूसरे को खुश असलूबी से एक्सेप्ट करेंगे तो हम सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इतना अच्छा काम कर पाएंगे, हम एक वंडरफुल टीम बन जाएंगे एंड अ गुड जनरेशन, यू नो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज जी। जी मेरा जो है ना वो यही है कि खास तौर पे मैं
मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये एक मैसेज भी है कि गवर्नमेंट के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पे जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या यूनियन काउंसिल्स हैं, इनको चाहिए कि ये कल्चर के लिए खसूसी फंड्स रखें और ये अपने लेवल पर, यानी कि जरूरी नहीं कि बड़े लेवल पर काम हो, अपने लेवल पर रह के अगर छोटा छोटा काम करें तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको अपने ही इलाके में काम मिल जाएगा उनके उस फंड्स रखने की वजह से। जिस तरह से बाकी आप तरक्याती कामों के लिए फंड्स रखते हैं, तो इनको चाहिए कि आर्ट्स एंड कल्चर के लिए भी फंड रखने चाहिए। सही। अगर लोकल लेवल पर ये चीज बेहतर अंदाज में होगी तो एक तो वो जो जितने भी मसाइल हैं आर्टिस्टों के वो भी हल होंगे, दूसरा ये है कि उनको अपने ही इलाके में काम मिलेगा जिससे खुशहाली आएगी और तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया। तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।